हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सुबह सुबह आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। CET एग्ज़ाम डेट को लेकर ये गुड न्यूज़ आपके लिए आ चुकी है। सितंबर में आपका CET का पेपर होगा हर हाल में, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में लिखा गया है। किसके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपका कि CET का एग्ज़ाम डेट का नोटिस अब कभी भी आ सकता है। तो यदि आप रिकॉर्डेड बैच, वीडियो का रिकॉर्डेड बैच, पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं हरियाणा के नंबर वन टीम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे टीचर खुद को प्रूव कर चुके हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं या उनका 10-10 साल का 12-12 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसी टीम से हमने कोर्स करवाया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप का। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज करने को शिक्षा की गाइडेंस में बनाई गई है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। यदि आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, हर शनिवार को हज़ारों बच्चों के बीच में अपनी रैंकिंग चेक करना चाहते हैं, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर शनिवार को अपना ये टेस्ट होता है। तो अब वापिस आते हैं अपने CET एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो दोस्तों, बार बार चीज़ें सामने आ रही है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ग्रुप सी और डी पदों के लिए 11.5 लाख युवा CET परीक्षा तिथि का कर रहे हैं इंतज़ार। अभी तक CET की तारीख घोषित नहीं हुई है, मगर आगामी सितंबर में CET होना तय। तो भाई, CET की डेट बेशक अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन CET एग्ज़ाम अगले सितंबर में, जो भी सितंबर आएगा, उसमें हर हाल में कराया जाएगा। यानी कि केवल अगस्त का महीना आपके पास रहा है। यहाँ पे चेयरमैन साहब बार बार कुछ कहते रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अभी दोस्तों, जो CM के प्रधान सचिव है V उमाशंकर, ठीक है, और सारा जो प्रोसेस है ये V उमाशंकर ही देख रहे हैं CET का। इन्होंने ही NTA से संपर्क किया था। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, वी उमाशंकर की बात है, अब अगले सप्ताह तारीख घोषित हो जाएगी, तो CET की जो एग्ज़ाम डेट है वो अगले सप्ताह आपकी आ जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर शुरू से ही CET का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से करवाने के हक में हैं। उन्होंने ही NTA से संपर्क साधा हुआ है। हालांकि बीच में तो एक बार लगने लगा था कि आयोग ही यह टेस्ट ले सकता है, मगर वी उमाशंकर ने NTA से संपर्क जारी रखा और उन्हें ही आयोजन करवाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर से दैनिक सवेरा ने बुधवार को पूछा कि CET की तारीख कब तक घोषित होगी। उन्होंने जवाब दिया कि अगले सप्ताह तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। तो अगले सप्ताह आपकी CET की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि CET का आयोजन हर हालात में आगामी सितंबर में होगा। तो यहाँ पे जोर दे के कहा गया है कि CET का जो आयोजन है वो हर हाल में सितंबर में होगा। दैनिक सवेरा के पूछने पर उन्होंने कहा कि NTA के महानिदेशक को बुला रखा है, उनके आते ही तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि CET के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन गत 10 जुलाई को हो चुका है और 15 जुलाई तक फीस जमा हो चुकी है। लगभग 11.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। CET के अभाव में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां रुकी हुई है। तो ये दोस्तों आपके लिए धमाकेदार खबर है कि CET के एग्ज़ाम डेट आपकी अगले सप्ताह रिलीज हो जाएगी, एक सप्ताह में रिलीज हो जाएगी। और एग्ज़ाम डेट आपकी कब रहेगी, सितंबर में रहेगी। यहाँ पे वी उमाशंकर जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, उन्होंने ये बात कही है। तो ये गुड न्यूज है, ठीक है। और यदि आप अब देखो, अब आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। अब तो आप CET को लेकर सब कुछ कर दो। एक बार रिवीजन के लिए वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर लो, डबल स्पीड में देखो,
टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। ऑफलाइन प्रैक्टिस करो ताकि ऑफलाइन के माहौल का आपको पता चले, हज़ारों बच्चों के बीच में रैंकिंग पता चले। तो फटाफट KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर विजिट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। भगवान की कृपा आप सभी का समय शुभ रहे।